वहीं रुद्रपुर के पहाड़गंज में परिजनों के द्वारा किशोरी की हत्या करने का मामला सामने आया है। मौके के बाद परिजन किशोरी के शव को दफनाने के लिए रामपुर ले गए। इससे पहले पुलिस को सूचना मिल गई और पुलिस ने शव को रामपुर से कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। CTSP क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने कहा कि मामले की अलग अलग एंगलों से जांच की जा रही है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। कल एक कोतवाली रुद्रपुर में एक नाबालिग बच्चे की मौत का मामला सामने आया था। संदिग्ध परिस्थिति में ये मौत हुई है, इसमें जो है पूरे जो लीगल प्रोसीडिंग है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई इसमें हो गई है, इसमें रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो ये इसमें जो है रिपोर्ट आने के बाद जो है तहरीर के आधार पर या हम पुलिस के तहरीर के आधार पर भी इसमें मुकदमा पंजीकृत कर सकते हैं। तो इसमें मुकदमा पंजीकृत करके बाकी जो संदिग्ध है, अभियुक्त है, उनकी अरेस्टिंग और बाकी विधिक कार्रवाई आगे से की जाएगी।